अच्छी चीज़ों के लिए पुश करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको गलत चीज़ों के लिए पुश वैसे भी कर रही है। तो अच्छी चीज़ों के पुश के लिए पुश करने वाले अगर आपके आसपास लोग हैं, फील ब्लेस्ड, फील हैप्पी, फील ग्रेटफुल कि कोई तो ऐसा है जो आपको पुश कर रहा है और आप पे दांव लगा रहा है। चाहे वो दांव पैसे का हो, चाहे दांव विश्वास का हो, चाहे दांव एक फ्यूचर पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने का हो, कोई तो है आपके आसपास, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे कोई दांव नहीं लगा रहा है। Am I right or not? इमेजिन करो आप रेस कोर्स में हो और उस रेस कोर्स में घोड़े भाग रहे हैं। सो देयर आर यू नो देयर इज अ स्टार्टिंग लाइन व्हिच इज देयर एंड जो हम लोगों ने पिक्चरों में देखा है कि वो गेट खुलते हैं और घोड़े भागते हैं। सो इमेजिन दैट, आई एम नॉट सेइंग यू हैव बीन देयर बट इमेजिन दैट। तो वहाँ घोड़े जो है रेडी है फॉर द रेस टू स्टार्ट, और उसमें से एक घोड़े को मालूम पड़ता है कि जितनी भी ऑडियंस बैठी है उस ऑडियंस में से 90% लोगों ने उस पे दांव लगाया है। सपोज ऐसा उस घोड़े को मालूम पड़ जाता है कि 90% ऑडियंस हैज पुट अ बेट ऑन मी, उस घोड़े को उस समय कैसा लगेगा? प्रेशर आएगा। हाँ भाई, उस पे लोगों ने दांव लगाया है, मुझे उसके दांव को सही साबित करना पड़ेगा। द प्रेशर इज दिस, am I right? और उसी लाइन में खोपच में एक और घोड़ा है, उस पे किसी ने दांव नहीं लगाया है, लेकिन वो भी रेस पे, और वो देखता है किसी ने उसको कहा कचरा है तेरे दांव नहीं, उसको कैसा फील होगा? लो, नथिंग टू लूज बट ही विल फील लो। कोई नहीं है जो मुझ पर विश्वास करे, कोई नहीं है जो मेरी पीठ पर हाथ रख के बोले तू कर सकता है राजा, चल तेरे पे 10 रुपए लगाए। कोई तो हो जो मेरे पे कुछ तो लगाए, और एक है जिसपे इतने लोग दांव लगाते हैं उसकी छाती ऐसे फूल रही होगी, उसका एनर्जी लेवल हाई होगा, और वो रेस में कैसा परफॉर्म करे वो अलग बात है, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट ही मस्ट बी फीलिंग गुड एंड द थॉट वुड बी इन हिज माइंड यार इनके दांव को खाली मैं जाने वेस्ट जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर ये बेट वेस्ट गया तो इनका मुझ पे से विश्वास उड़ जाएगा और मुझसे ऐसे बहुत से घोड़ों पे से विश्वास उड़ जाएगा। Am I right? तो अगर आप पे कोई दांव लगाता है, और जो लोग लगा कि जब आप पे दांव लगता है और आपके बच्चे आप पे दांव लगाते हैं कि पापा रात को घर आएंगे, जाते हो ना कि पापा रात को घर आएंगे और ये हमारे साथ कुछ समय बिताएंगे, और वो समय हमें ज्ञानबाजी का नहीं होगा, वो समय प्यार मोहब्बत का होगा। ऐसा बच्चे दांव लगाते हैं रोज सुबह अपने मन में आपके लिए, और अगर वो दांव आपका सही आप कर देते हो तो अगले दिन क्या करते हैं, जब वो घोड़ा रेस जीतता है तो क्या होता है? अगर आपने घोड़े पे दांव लगाया और वो घोड़ा रेस जीत गया, नेक्स्ट डे फिर आप रेस कोर्स पहुंच गए, फिर क्या करोगे आप उसी घोड़े पे डबल दांव लगा दो। Am I right? So, आपके दोस्तों ने जिन्होंने पुश किया, आपके रिलेशन ने जिनको पुश किया, उन्होंने पुश किया, आपने उनका दांव सही साबित करना है, क्योंकि अगर आपका दांव फेल हो गया तो उनका कहीं ना कहीं किसी और पे दांव लगाने की हिम्मत टूट जाएगी।